सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब? गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, देर नहीं करेंगे, चलिए फटाफट से बना लेते हैं गर्मियों की रिफ्रेशिंग तरबूज की शरबत। उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक तरबूज को अच्छे से पहले धो लेंगे, उसके बाद इसको हम बीच में से काटेंगे। एक बात मैं बता रही हूँ दोस्तों, तरबूज को काटने से पहले ना एक घंटे तक फ्रिज में रख देना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो तरबूज है कलर में थोड़ा सा ये हल्का है, मतलब कि इसका कलर और थोड़ा सा डार्क होता तो अपनी शरबत का जो कलर है वो थोड़ा सा और भी अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, ये थोड़ी सी हल्की है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगी। तो पहले हम इसको काट लेंगे। मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ ताकि मुझे इसका जो पल्प है वो निकालने में आसानी हो। इस तरीके से हम इसको काटेंगे और उसके बाद इसका छिलका हम फेंक देंगे। तरबूज के छिलके से भी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बन जाती है दोस्तों, जो हम केक में डालते हैं ना टूटी फ्रूटी, वो बन जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। आपको अगर देखना है तो बताना, मैं आपको एक दिन उसकी भी रेसिपी दिखा दूँगी। तो सबसे पहले आज तो हम तरबूज की शरबत बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। सारे छिलका निकालने के बाद इसके अंदर जो बीज है उसको हमें बाहर निकाल फेंकनी है। आप एक फोर्क की मदद से भी फेंक सकते हो, एक चाकू भी ले सकते हो। इस तरीके से आपको दिखेगा वो जो व्हाइट वाली होती है वो रह जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। अगर ये ब्राउन वाली सीड रह गई ना तो वो अच्छे से ग्राइंड भी नहीं होगी, आपके मुँह में पड़ेगा और शरबत का जो टेस्ट है वो पूरा बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे बीज को निकाल लेंगे और उसको फेंक देंगे। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। इसके बाद हमें लेनी है एक मिक्सर का जार और उसमें ये सारे के सारे जो तरबूज है उसको हमें डाल देनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि तरबूज अगर थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो बस ये सारे तरबूज को हम मिक्सर में डाल देंगे और ढक्कन को बंद करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तरबूज को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब ये बिल्कुल थिक है, इतना थिक तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, हमें तो इसका जूस बनाना है। तो अभी आपको लेनी है एक छन्नी, उसके ऊपर से ये जो सारा पल्प है ग्राइंड करी हुई उसको हम डाल देंगे। एक चम्मच लेना है आपको और उसके बाद इस तरीके से घुमाना है और इसका जो प्योर जूस है वो नीचे रह जाएगी और जो पल्प है वो ऊपर ही तक ही रहेगी। ये देखो, आप देख सकते हो ये जो पल्प है ये हमारी कोई काम नहीं आएगी फिलहाल, आज के लिए इसको हम फेंक देंगे। तो ये जूस के ऊपर थोड़ा सा फोम इस तरीके से आ गई है, जितना हो सके उतना फेंक देना बस फोम को, ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। खाने में तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगी, बस दिखने में अच्छा लगने के लिए हम इस तरीके से थोड़ा सा फोम उठा के फेंक देंगे। और बस इसको अभी हम डाल देंगे एक जार में, आप तो उसमें भी बना सकते हो। एक जार में डालने के बाद आप चाहो तो इसका जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा और मीठा करने के लिए थोड़ा सा शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी और तरबूज मैंने डाल दी है और थोड़े से मैंने इसमें डाली है बर्फ़, बस और कुछ नहीं डालूँगी मैं, नहीं तो इसका जो असली टेस्ट है वो चली जाएगी। थोड़े से शक्कर भी आप डाल सकते हो या फिर थोड़े से काला नमक भी डाल सकते हो, बहुत जगह पे डालते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है जब ये ऐसे पिया जाए। तो इसको एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपके वाले तरबूज की शरबत कैसी बनी है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।